चलिए यहां तक कल हमने डिस्कस कर लिया था ना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस, जो बेसिक डिफरेंस हमने डिस्कस कर लिए थे। अब जो नेक्स्ट मेरे पास है वो है डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेसेस, स्ट्रेस के अलग अलग टाइप्स। ये कोई वैसे इतना बड़ा नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम एक्चुअल में सच बताऊं तो ये भी नहीं समझ पाते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है। हम एक्चुअल में ये भी नहीं समझ पाते हैं कि बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो कब डेवलप होता है। तो आपको ये समझना जरूरी है कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेसेस कौन कौन से हैं। यहां पे मैं स्ट्रेस को दो तरह से क्लासिफाई करूंगा, एक मेरे पास आएगा टाइप वन, एक आएगा टाइप टू। टाइप वन जो है आपको नॉर्मली वही स्ट्रेस है जो हम पढ़ते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेस हुआ, बेंडिंग स्ट्रेस हुआ, टॉर्सनल स्ट्रेस हुआ या सेयर स्ट्रेस हुआ। ये चार ही तरह के स्ट्रेस है जो जनरली हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेसेस में। तो यहां पर टाइप वन में आपको क्लासिफाई किया गया है दो तरह से, एक आएगा नॉर्मल स्ट्रेस और एक आएगा क्या आपके पास शेयर स्ट्रेस, इसका दूसरा नाम क्या है टेंजेंशियल स्ट्रेस। अगर नॉर्मल स्ट्रेस की बात करें तो नॉर्मल स्ट्रेस अगेन दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, एक होता है आपका बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस। देखेंगे अभी क्या डिफरेंस है दोनों में। और शेयर अगेन दो टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस, एक होता है टॉर्सनल शेयर स्ट्रेस। इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं, यहां से टेबल तो बनानी है उसके बाद एक एक करके डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए मैं यहां पे आ गया हूं इस जगह पे, ठीक है। क्योंकि बेसिकली इससे पहले नॉर्मल स्ट्रेस ऐसा स्ट्रेस है जो किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर एक्ट करे, यानी अगर कोई भी फोर्स किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है तो उससे जो भी स्ट्रेस डेवलप होगा क्या कहलाएगा आपका नॉर्मल स्ट्रेस। जबकि शेयर स्ट्रेस आपका वो स्ट्रेस है जो किसी भी प्लेन के पैरेलल एक्ट करे, पैरेलल एक्ट करे और वो भी इस तरह से कि आपकी उनके जो फोर्स कपल है उनकी जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे क्या रहे अपोजिट, बट मैग्नीट्यूड क्या रहना चाहिए हमेशा सेम रहना चाहिए। तो वो जो फोर्स है वो क्या कहलाएगा शेयर फोर्स, और उसे जो स्ट्रेस आएगा क्या कहलाएगा आपका शेयर स्ट्रेस। यहां अगर इसको मैं क्लासिफाई करूं तो मुझे यहां पे इस तरह से चार टाइप का क्लासिफिकेशन मिला है। पहला है मेरे पास डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस। अगर मैं बात करूं पहले डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस की, देखना डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, समझेंगे ध्यान से कि डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस है क्या। डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब है कि एक्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ ऑब्जेक्ट। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये जो आपको यहां एक्ट कर रहा है हमेशा कहां एक्ट करेगा, ये ऑलवेज ऑलवेज एक्ट एट न्यूट्रल एक्सिस कह दो चाहे सेंट्रल एक्सिस कह दो, बात एक ही है, तभी आपको डायरेक्ट स्ट्रेस मिलता है, अदरवाइज कभी भी डायरेक्ट स्ट्रेस आपको नहीं मिलेगा। कैसे समझ लेते हैं, देखिए एक बार इस तरह से, लेट सपोज मेरे पास ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, वन एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फिक्स्ड, दिस इज क्रॉस सेक्शन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, दिस इज सेंट्रोइड, और सेंट्रोइड से जाएगी क्या एक न्यूट्रल एक्सिस, जाएगी नहीं जाएगी बोले, सेंट्रोइड जाएगी क्या एक न्यूट्रल एक्सिस, और अगर इसी न्यूट्रल एक्सिस पे लोड चाहे टेंशन का लगे चाहे इसी पे लगे कंप्रेशन का, तो वो कहलाता है क्या आपका डायरेक्ट लोड, और उसके कारण जो स्ट्रेस आया क्या कहलाएगा आपका डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस। अगर आप चाहते हैं कि आपको डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस मिले तो कंपलसरी कंडीशन है कि जो लोड है वो हमेशा कहां लगेगा सेंट्रोइड पे लगेगा, मस्ट है, इस चीज को आप ध्यान रखिए भाई। और ये जो हम डील करते हैं ये पूरा पूरा डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, ये हम डील करते हैं किसके साथ चैप्टर वन में, चैप्टर वन में हम पूरा ऐसी को डील करेंगे, चैप्टर वन ऑलवेज डीलिंग विथ डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस। इसके अलावा आप देखना जब चैप्टर वन चल रहा है तो उसमें आप कहीं पे भी इसके अलावा बेंडिंग वेंडिंग की बात नहीं करते हैं हम, यानी यहां पे अगर बात की तो जो डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस है वो क्या है, उसके लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि एक्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, क्या ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, यस yes. क्या ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल है, यस yes. क्या ये सेंट्रोइड पे है, यस yes. या क्या ये न्यूट्रल एक्सिस पे है, यस yes. अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो आप कहेंगे कि इट इज ए फॉर्म ऑफ डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस।
फिर अगर बात की जाए तो एक आया आपको बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस, और ये भी टाइप है किसका, नॉर्मल स्ट्रेस का। मेरे पास समझे ध्यान से, लोग कहते हैं कि बेंडिंग जो है वो अलग है, बेंडिंग अलग नहीं है, बेंडिंग भी किसका टाइप है आपका, एक नॉर्मल स्ट्रेस का, और बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस का टाइप कैसे है ध्यान से समझेंगे भाई। दिस इज नंबर वन। सेकेंड, बेंडिंग आप समझेंगे ध्यान से, बेंडिंग स्ट्रेस देखते हैं, ठीक है। दो टाइप का होगा ये, पहला जो ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ था, बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस, बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस। अगर नॉर्मल स्ट्रेस है तो कंडीशन वही है, पहली कंडीशन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड क्या हो जाएगा, पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। क्या कुछ डिफरेंस आया अभी तक, नहीं। बट यहां पे जो है ये मे नॉट एक्ट एट सेंट्रोइड, ज्यादा प्रेशर मत होएगा, अभी सेंट्रोइड मान लो कि यहां ठीक है, मिड पॉइंट को सेंट्रोइड बोला है, अभी प्रेशर होते हैं क्योंकि ये चीजें आगे आएंगी थोड़ी सी ना। मे नॉट एक्ट एट सेंट्रोइड इसका मतलब क्या है, देखो सेम पहला वाला केस देखना, देखिए वन एंड ऑफ द सेक्शन इज फिक्स्ड, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस एंड दिस इज न्यूट्रल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंट्रोइड। आप जो लोड एक्ट करेंगे कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर द प्लेन। क्या ये लोड प्लेन के परपेंडिकुलर है, बोले यस और नो। क्या ये पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, यस और नो। क्या ये सेंट्रोइड से पास हो रहा है, नहीं, तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। क्या बनेगा ये, बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेसेस। बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस कैसे, यहां से कितनी इसेंट्रिसिटी इसकी, यहां से जितनी भी इसेंट्रिसिटी है, मैंने कहा लेट सपोज ई इसेंट्रिसिटी है, तो जब ऊपर वाला सेक्शन खींचेगा तो ऊपर क्या मिलेगी आपको, टेंशन, और नीचे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे कंप्रेशन। और जो ऑब्जेक्ट है आपका कुछ कैसा हो जाएगा, बेंड हो जाएगा किस तरह से, कुछ ऐसे इस तरह से, कि ऊपर वाले सेक्शन में क्या मिलेगी आपको, यहाँ पे इस तरह की मिलेगी टेंशन, और नीचे वाले क्या मिलेगी आपको, इस तरह से मिलेगी क्या आपको, यहाँ पे नीचे कंप्रेशन। यानी ऊपर वाला सेक्शन टेंशन का, नीचे कंप्रेशन क्या हो गया है, जो सेक्शन है बीम जो है क्या हो गया है, बेंड हो गया। क्या बोलेगी आपकी, ये बेंडिंग स्ट्रेस। ये बेंडिंग स्ट्रेस आई क्यों, ड्यू टू नॉर्मल स्ट्रेस। कैसा नॉर्मल स्ट्रेस, इसका एक्चुअल में नाम क्या है, क्या नाम है इसका एक्चुअल में, इसेंट्रिक। कैसा लोड है, तो एक्सियल है बट कैसा है, इसेंट्रिक है। और ऊपर वाला जो था ये कैसा था आपका, ये क्या था, ये क्या था, ये प्योर एक्सियल लोड या फिर नॉर्मल एक्सियल लोड या फिर एक्सियल लोड। चीजें क्लियर है। बेंडिंग स्ट्रेस मैंने दो तरह से क्लासिफाई किया है, पहला आपका ये था, दूसरा देखें भाई, बेंडिंग ड्यू टू TSL, TSL क्या है, ट्रांसवर्स शियर लोड। जब भी मैं किसी बीम के डेफिनेशन पूछता हूं तो वो ये बोलता है कि बीम पे TSL लगता है, बट एक्चुअल में TSL है क्या, वो यही देख लेंगे थोड़ा सा हम। देखिए SFD BMD देखा है आपने, पढ़ा हुआ, वहां पे जितने भी हम लोड देखते हैं सारे सारे क्या है, वो TSL है। वन एंड ऑफ द बीम इज फिक्स्ड। यहां अगर बात करें सेक्शन में, तो यहां पे आप देखेंगे कि एक जो अपर प्लेन है उस प्लेन की भी एक न्यूट्रल एक्सिस होगी। यहां पे भाई हर प्लेन की न्यूट्रल एक्सिस है, ऊपर वाले प्लेन की भी न्यूट्रल एक्सिस होगी। ये आपका क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन पे अगर आप कहीं पे भी क्रॉस सेक्शन पे कहीं पे भी अगर आप लोड एक्ट करते हैं तो क्या कहलाएगा, वो नॉर्मल कहलाएगा। अगर सेंट्रोइड पे है तो नॉर्मल स्ट्रेस कहलाएगा, और सेंट्रोइड से हट गया है तो क्या बन गया है, इसेंट्रिक, और इसेंट्रिक बनते क्या बन जाएगी, बेंडिंग कहलाएगी, बेंडिंग आ जाएगी। एक बेंडिंग आती है जब लोड आपकी न्यूट्रल एक्सिस या फिर जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर लगे। यानी यहां पे लोड कैसा लगे, कुछ ऐसा, मान लीजिए लोड आप ऐसा लगा रहे हैं, समझ रहे मेरी बात को,
इस तरह से आप लोड एक्ट करिए। तो एक्चुअल में लोड है क्या, ये जो आपके पास लोड लगा है पी, एक्चुअल में लोड कैसा लग रहा है, ये इस लोड का नेचर क्या है बताएं कोई। देखो ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस थी कहीं ना, और लोड कैसा लग रहा है इस तरह से। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की क्या लगाई है, परपेंडिकुलर, और क्रॉस सेक्शन की क्या लगाई है, पैरेलल। तो यहां पे क्या मिलेगा, एक्ट एक्ट परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और न्यूट्रल एक्सिस एंड पैरेलल टू द किसके किसके क्रॉस सेक्शन के, यानी क्रॉस सेक्शन के क्या लगाई है, पैरेलल, और उसकी क्या लगाई है, परपेंडिकुलर। इसके कारण क्या मिलेगा बीम में, आपको बेंडिंग मिलेगी नहीं मिलेगी, तो बीम जो है कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये सुनो, ये दो तरह की बेंडिंग पॉसिबल, इसके अलावा कोई बेंडिंग पॉसिबल नहीं है। ये वाली बेंडिंग कहां देखेंगे हम, ध्यान से सुनना, ये वाली बेंडिंग कहां देखेंगे हम, ये वाली बेंडिंग कहां देखेंगे, इसका एप्लीकेशन कहां है, इसका इस वाली बेंडिंग का एप्लीकेशन कहां है, इन ऑल बीम्स। और बीम कौन कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे हम, एसएफडी बीएमडी, मेजर जो इसका कहां रहेगा, एसएफडी बीएमडी। और इस वाले का एप्लीकेशन कहां पे है, कहां पे इसका एप्लीकेशन, प्योर बेंडिंग में, कहां पे है, प्योर, जहां आप प्योर बेंडिंग देखेंगे वहां पे इसका रहेगा। प्योर बेंडिंग क्यों, क्योंकि इसमें केवल और केवल बेंडिंग आ रही है, जबकि इसके अंदर क्या आएगा, आपका शियर फोर्स भी आ रहा है। देखा ना, जरा पैरेलल टू द एक्सिस, पैरेलल टू द एक्सिस के क्रॉस सेक्शन क्या कहलाएगा, आपका शियर फोर्स। तो इस तरह की बेंडिंग है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो क्या सारे के सारे नॉर्मल की कैटेगरी में है ये, यस। तो यहां पे जो मेरा पहला क्लासिफिकेशन है, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस का नॉर्मल मतलब क्या है, नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन एंड पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। कितने टाइप का है, दो तरह से, डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस। डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस वही है जो इसकी डेफिनेशन है, बेंडिंग दो तरह से है। पहली बेंडिंग तो यह है कि आप इसेंट्रिक लोड एक्ट करो, तो इसेंट्रिक लोड से बीम या तो इस तरह जाएगा, या इस तरह जाएगा, या इस तरह जाएगा, या इस तरह जाएगा। और दूसरा है कि आप टीएसएल लगाओ, टीएसएल का मतलब क्या है कि उस बीम की किसी भी सेक्शन पर, जैसे लेट सपोज ये बीम है, तो यहां पर आप यहां लोड लगाइए इस तरह से, इस तरह से। तो ये कैसा लोड है, ये टीएसएल है। कैसा है ये, टीएसएल है। क्यों, क्योंकि हर लोड जो है आपका क्रॉस सेक्शन के क्या है, ये पैरेलल है। क्रॉस सेक्शन क्या है, पैरेलल है, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर और क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है, वो क्या कहलाएगा, ऑलवेज, क्या कहलाएगा, ऑलवेज टीएसएल, ट्रांसवर्स शियर लोड। जबकि अगर मैं इसी पे यहां पे लोड ना लगा के, ये इसकी न्यूट्रल एक्सिस है, यहां पे लोड ना लगा के यहां लगा दूं, यहां लगा दूं, यहां लगा दूं, यहां लगा दूं, अगर नीचे लगाऊंगा तो ये सेक्शन टेंशन में, ऊपर कंप्रेशन में, ऊपर तक खींचूंगा तो ऊपर वाला टेंशन में, नीचे वाला कंप्रेशन में, राइट से लगाऊंगा तो राइट वाला टेंशन में, लेफ्ट वाला कंप्रेशन में, लेफ्ट से लगाऊंगा तो लेफ्ट वाला टेंशन में, राइट वाला क्या जाएगा, कंप्रेशन में। तो इस तरह से ये मेरे क्या कहलाएगा, आपकी नॉर्मल बेंडिंग। बेंडिंग क्लियर है बाबा। और इसी तरह से अलग अलग चैप्टर के साथ डील करते हैं कि कौन सा कहां हम पढ़ते चले जाएंगे भाई। तो ये कहां पढ़ेंगे हम, ये दो जगह पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे प्योर बेंडिंग इन ए बीम और एक पढ़ेंगे एसएफडी बीएमडी में। दो चैप्टर बने आपके, तो दो चैप्टर कहां से बने हैं, यहां से। नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्ट शियर और एक टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, ठीक है। देखो दो चुके हैं, तीसरा देखेंगे। डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस का मतलब क्या है, डेफिनेशन आप लोग बताना फिर मुझे, मैं आपको समझाता हूं कैसा क्या है। लेट सपोज ये कोई एक सेक्शन है, इस पे आपने एक फोर्स लगाया इस तरह से यहां पे P, और एक दूसरा फोर्स आपने यहां एक्ट किया इस तरह से, कितना ये P, क्या ये शियर है, क्या ये शियर है, यस yes। कैसे शियर है, देखो ध्यान से, सेक्शन जो था वो आपका कुछ इस तरह से 3D में अगर बनाया इसको तो कुछ ऐसा है, जो P लग रहा है वो कहां लग रहा है, अपर प्लेन पे। जो P लग रहा है कहां लग रहा है, वो अपर प्लेन पे लग रहा है, इस वाले प्लेन पे लग रहा है। और दूसरा जो P लग रहा है कहां लग रहा है, वो लोअर प्लेन पे। ऊपर वाले प्लेन पे कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, राइट वर्ड में। नीचे वाले प्लेन पे कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, लेफ्ट वर्ड में। लेकिन दोनों ही केस में मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, कितना है, पी और पी, यस और नो। तो अगर बात करें, आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन मिले, कैसा कॉम्बिनेशन, एक्ट पैरेलल टू ईच अदर
एट अपोजिट फेसेस इन अपोजिट डायरेक्शन. बोलो यस और नो. बट हैविंग क्या सेम रहेगा, सेम मैग्नीट्यूड. क्या यहां पे कोई एक्सियल लोड नजर आ रहा है किसी को? क्या एक्सियल लोड किसी को नजर आ रहा है? बोलो बाबा एक्सियल नजर आ रहा है कहीं पे? क्या आपको इसेंट्रिक नजर आ रहा है? क्या किसी प्रकार की बेंडिंग नजर आ रही है? क्या किसी प्रकार का टॉर्सन नजर आ रहा है? नहीं. तो कैसा कैसे ही है, यह है आपका प्योर शियर केस. जहां पे केवल शियर मिले क्या कहलाएगा, प्योर शियर केस. तो यहां पर क्या मिल रहा है, ओनली एंड ओनली एंड ओनली शियर. तो क्या है ये, प्योर शियर केस. और प्योर शियर की डेफिनेशन क्या है, जब आपकी अपोजिट सरफेस पे फोर्स पैरेलल एक्ट करे, मैग्नीट्यूड सेम रहे, डायरेक्शन क्या हो जाए, अपोजिट, क्या कहलाएगा आपका ये, शियर स्ट्रेस. क्लियर है बाबा. एक दूसरा है आपका इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस. क्या है जिसको हमने नाम दिया है क्या, हाँ, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस. देखेंगे टॉर्सनल शियर स्ट्रेस है तो सर्कुलर सेक्शन में आएगा. ऐसा नहीं है कि सर्कुलर में ही आएगा क्या, बाकी में भी आ सकता है, बट सर्कुलर में ही हमारा एप्लीकेशन है तो मैं सर्कुलर बना के ही समझा रहा हूं. ठीक है, एक एंड क्या कर दीजिए यहां से, आप फिक्स कर दीजिए. अब देखो इस सरफेस पे ये क्या है, आपकी क्रॉस सेक्शन है. इस क्रॉस सेक्शन पे आप यहां से एक फोर्स पी एक्ट करो और यहां से एक फोर्स पी एक्ट करो. क्या ये शियर है? क्या ये वही शियर है जो मैं पढ़ाऊं थोड़ी देर पहले? यस और नो. बोलो बाबा यस और नो. यस. देखो नहीं समझाया, देखो ये सेक्शन है ऐसा. अब आपको तो सिर्फ क्रॉस सेक्शन से मतलब है, तो क्रॉस सेक्शन दिखाऊं थोड़ा आपको. तो मैं दिस इज क्रॉस सेक्शन, एक फोर्स एक्ट करिए इस तरह से, दिख रहा है आपको, और एक फोर्स एक्ट करिए इस तरह से, नजर आ रहा है आपको, नजर आ रहा है. अब देखो ये जो फोर्स लगे हैं है कैसे, ये कैसे फोर्स है, एक तो अपोजिट सरफेस पे है, देखो एक बॉटम पे है एक अप पे है. दूसरी बात है ये लेफ्टवर्ड जा रहा है, ये कहां जा रहा है, राइटवर्ड जा रहा है. इसका मैग्नीट्यूड भी पी है, इसका मैग्नीट्यूड भी पी है. जो आपकी सेंट्रोडल एक्सिस है उससे सेम डिस्टेंस पे, ऊपर भी डी बाई टू नीचे भी डी बाई टू. यस और नो. तो एक्चुअल में ये है तो शियर, एक्चुअल में ये है तो शियर, लेकिन इनके कारण इफेक्ट क्या मिला आपको, टॉर्सनल वाला, टॉर्क वाला, ट्विस्टिंग वाला. यस और नो. तो इसलिए इसको क्या बोला, इनडायरेक्ट टॉर्सनल शियर स्ट्रेस या फिर इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस. क्यों? क्योंकि यहां पर डायरेक्ट शियर जैसे इफेक्ट नजर ना आके आपको कैसा मिल गया, ट्विस्टिंग वाला इफेक्ट मिल गया. तो यहां पर अगर बात करें तो पी है कैसा, ये क्या बोलेंगे पी के लिए, एक्ट एट क्रॉस सेक्शन ऑफ द शाफ्ट, और क्या आएंगे इसके बारे में, पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू द, किसके परपेंडिकुलर है, न्यूट्रल एक्सिस. डाउट है किसी को, न्यूट्रल एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं है, कोई डाउट है किसी को, ये न्यूट्रल एक्सिस है सर. लोड कहां लग रहा है, यहां पे. आप बताइए न्यूट्रल एक्सिस और लोड के बीच में एंगल कितना है, लोड इधर जा रहा है, न्यूट्रल एक्सिस इधर जा रही है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री. तो पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू द न्यूट्रल एक्सिस, क्या कहलाएगा आपका, ये टॉर्सनल शियर स्ट्रेस. टॉर्सनल शियर स्ट्रेस का अलग से चैप्टर है, इंडेक्स में देखा है मैंने कौन सा चैप्टर है, टॉर्सनल वाला. डायरेक्ट शियर स्ट्रेस का अलग से चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है, प्योर शियर स्ट्रेस वाला. बेंडिंग स्ट्रेस का अलग से चैप्टर है, कौन सा, टीएसएल वाला. कौन सा चैप्टर है आपका, दो चैप्टर है, एक आपका एसएफडी बीएमडी है, एक आपका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन है, अलग से चैप्टर जिसको हम पढ़ते हैं. बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस का अलग से चैप्टर है जिसको हम पढ़ते हैं प्योर बेंडिंग, और आपका जो नॉर्मल स्ट्रेस है उसका अलग से चैप्टर जो हमारा चल रहा है यहां पर ऐसे कैसा. इसके अलावा स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल में कोई भी किसी प्रकार की स्ट्रेस को आप देखने को नहीं मिलेगा, और इसी के बेसिस पे स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल को अलग अलग डिवाइड करते हैं. हम सोचते हैं पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं पढ़ते, सिर्फ चार टाइप के स्ट्रेस है, चार टाइप के स्ट्रेस पे अलग अलग चैप्टर है भाई. अरे क्लियर है बाबा, स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल में पढ़ना क्या है, समझ आ गया, क्लियर है. चलिए इसको नोट करेंगे आप लोग, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए भाई, डाउट में परेशान नहीं होना. आपको जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, छोटा डाउट बड़ा डाउट कोई मैटर नहीं करता है, आप पूछ सकते हैं, पूछना चाहिए भाई. क्लियर है, नोट करिए.
एक बार नोट करने से पहले देख लीजिए, कोई डाउट हो तो किसी को देखो। ये हमने ये किया है, ये किया है यहाँ पे, ये किया है, और चारों को मैंने यहाँ पे डायग्राम के साथ समझा दिया है। इसमें किसी को डाउट आया तो बीच में पूछ सकता है मुझसे भाई। चलिए थोड़ा स्पीड रखेंगे, शाबाश। सेक्शन का डिफरेंस है बस। हाँ, क्रॉस सेक्शन का डिफरेंस है। दूसरा ये है कि वो जो लगते हैं प्लेन पे लगते हैं, ये जो लगेंगे ना बेटा, ये दोनों प्लेन पे लगेंगे, या तो अपर प्लेन या लोअर प्लेन, जबकि ये जो है प्लेन पर लग के एक क्रॉस सेक्शन के पॉइंट पर लगेगा, है ना। हाँ, मतलब पॉइंट कह सकते हैं आप, मतलब एक्चुअली प्लेन नहीं है वो। जैसे ये आपका क्रॉस सेक्शन है, तो आपने इस पॉइंट को, मान लो इस पॉइंट पर आप इसको वेल्ड कर दीजिए ऐसे, तो आप ऐसे खींचेंगे तो कहाँ लगेगा आपके, इस पॉइंट पे, है ना। नीचे कहाँ लगेगा, इस पॉइंट पे, ठीक है। जबकि डायरेक्ट में क्या लगेगा, डायरेक्ट में आप पूरी सरफेस को ट्विस्ट करा रहे हैं, आपने पूरी सरफेस को पकड़ा है, अब इसको ट्विस्ट करा रहे हैं ऐसे, मतलब इस तरह से, तो आपने पूरी सरफेस पे फोर्स लगाया है, तो डायरेक्ट शियर आ रहा है। जबकि यहाँ पर इस पॉइंट के कारण फाइबर ट्विस्ट हुए हैं, और वहां पर फाइबर जो है फोर्स के कारण ट्विस्ट हो गए हैं। बेसिक डिफरेंस ये ना। बेंडिंग के कारण भी शियर स्ट्रेस आता है, ये रहा। जब टीएसएल लगेगा तभी आएगा, अदरवाइज कभी नहीं आएगा। जब टीएसएल लगेगा तभी बेंडिंग के कारण शियर स्ट्रेस आएगा, अदरवाइज प्योर प्योर बेंडिंग कहलाएगी वो, डायरेक्ट के अंदर। हाँ, अगर प्योर बेंडिंग है तो डायरेक्ट में काउंट होगा वो। चले बाबा, नोट कर लिया। चलिए स्लाइड बदल दूं। हाँ, टॉर्जन के लिए एक एंड फिक्स होना चाहिए डेफिनेटली। अगर एक एंड फिक्स नहीं है तो दोनों एंड पे टॉर्क लगने चाहिए, फिर आपके दोनों कंडीशन फुलफिल होती है ना। हम पढ़ते इसलिए हैं फिक्स करके, क्योंकि इसका रजिस्टिंग टॉर्क यहां पे आ जाएगा। रजिस्टिंग टॉर्क मतलब अगर इधर मैं टी लगा रहा हूं तो इधर टी आर अपड़ा पाएगा, या फिर उसको साफ को रोटेट करने के उतना आना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज ये साफ्ट है, आप इसको रोटेट करना चाह रहे हैं, और इधर आपने टी लगाया है, तो डेफिनेटली इस एंड पे भी क्या लगना चाहिए, टी, तभी रोटेट करेगी, अदरवाइज रोटेट नहीं करेगी ना। चलिए, तो यहां पर फिक्स सपोर्ट, ये वाला फिक्स सपोर्ट नहीं होता है, ये वाला, ये फिक्स सपोर्ट नहीं होता। यहां पे जो सपोर्ट का मतलब है वो है बेरिंग सपोर्ट। यहां पे साफ्ट के अंदर सपोर्ट का मतलब क्या है, वो बेरिंग सपोर्ट है, कि बेरिंग के ऊपर सपोर्ट है वो, है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे टाइप टू स्ट्रेस का क्लासिफिकेशन है। टाइप टू क्या है, टाइप टू में एक आता है इंजीनियरिंग कन्वेंशनल या एवरेज स्ट्रेस, एक आता है आपका ट्रू स्ट्रेस। क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर है आपके पास, इसको बोलते हैं सिग्मा इंजीनियरिंग या फिर सिग्मा कन्वेंशनल या फिर सिग्मा एवरेज, और इसको बोलेंगे क्या, सिग्मा टी। सवाल में आप लोगों से क्या पूछूंगा, आपसे पहले बता देता हूं, मैं पूछूंगा कि कौन सा मेरे लिए सिग्निफिकेंट है, कौन सा मेरे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है। हमारे जितने भी इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस है, जितने भी इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस की डिजाइन है, उस डिजाइन में हम कौन से स्ट्रेस को काम में लेंगे और कौन से को काम में नहीं लेंगे, क्यों लेंगे क्यों नहीं लेंगे, ये मैं आपसे सवाल करूंगा। आप इस सवाल का आंसर ढूंढते हुए इस चीज को समझना, ठीक है। बात करते हैं कि इंजीनियरिंग कन्वेंशनल या फिर एवरेज स्ट्रेस क्या है और ट्रू स्ट्रेस क्या है। अगर हम बात करें नॉर्मली, जनरली अगर बात करें कि स्ट्रेस क्या होता है, तो अगर जनरली बात करें तो स्ट्रेस इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, और जो आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है वहीं पर इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स क्या बन जाएगा आपका, हाँ, बनेगा नहीं बनेगा बाबा, अप्लाइड लोड अपॉन में एरिया, यही होता है, यही होता है। जब हमने कल एक एग्जांपल देखा था कि जहां पर मैंने फोर्स लगाया था 100 किलो न्यूटन, एरिया कितना लिया था 10 मीटर स्क्वायर, वो एरिया क्या था, क्रॉस सेक्शनल एरिया। कैसा एरिया था, शुरू में था या लास्ट में था या बीच में था, या फिर कौन सा एरिया था, वो ओरिजिनल एरिया था, वो ओरिजिनल एरिया था, या फिर साफ्ट के फेल होने के बाद का एरिया था वो। आपको तो क्या दिया गया, 100 किलोमीटर का लोड लगाया और एरिया साहब ये लो 10 मीटर का इसका डायमीटर है, तो आपको साफ्ट दे दी।
अब जब 100 किलोमीटर का लोड लगा होगा तो इसमें एक्सटेंशन होगा, तो जो एरिया वो कैसा एरिया, ओरिजिनल एरिया है कि बाद का एरिया है? ओरिजिनल एरिया, यानी यहां पे जो एरिया है वो कौन सा एरिया होता है? ओरिजिनल एरिया। तो अगर मैं यहां से इंजीनियरिंग स्ट्रेस को फाइंड आउट करूं कि सिग्मा इंजीनियरिंग कितना आ जाएगा, तो वो होगा आपका क्या, अप्लाइड लोड अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। मेरी बात समझ गए? तो अगर कोई आपसे पूछे कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होता है, तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस होता है अप्लाइड लोड अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ये ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया और फाइनल क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, उसको समझते हैं पहले, आ जाओ। अगर यहां पे हम एग्जांपल देखें, एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल। लेट सपोज ये आपके पास एक सर्कुलर शाफ्ट है, ध्यान समझना बाबा। इस सर्कुलर शाफ्ट का जो डायमीटर है वो आपने कहा कि डायमीटर सर डी है, और जो लेंथ है उसकी क्या है, वो एल है। क्योंकि हम डायरेक्ट स्ट्रेस पढ़ रहे हैं, तो यहां पे मैंने एक एक्सियल टेंसाइल लोड एक्ट किया है दोनों एंड पे पीपी। इसके कारण जब यहां पर फाइनल जाऊंगा मैं, तो यहां पर ये ए जो है इसका जो डायमीटर डी है, इसके कारण इसका जो इनिशियल एरिया बनेगा वो कितना बनेगा, इनिशियल एरिया मान लीजिए आपका ए नॉट बन गया। चीजें क्लियर है बाबा? इनिशियल एरिया ए नॉट है, लोड कितना लगाया आपने, पी लगाया है। कुछ टाइम बाद आप ध्यान रखना, कुछ टाइम बाद, वो टाइम कितना भी हो सकता है, वो मैटर टाइम ही करता है, कितना भी टाइम हो सकता है। कुछ टाइम बाद यानी आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम का मतलब है किसी भी पॉइंट पे, किसी भी क्षण पे। तुम कह सकते हो कि सर एक सेकंड बाद बताओ, तुम कह सकते हो एक मिनट बाद बताओ, तुम कह सकते हो एक घंटे बाद बताओ, तुम कह सकते हो एक दिन बाद बताओ, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। आपने देखा कि इसकी जो लेंथ है वो क्या होगी, डिक्रीज या इंक्रीज, इंक्रीज। और जिसका जो डायमीटर है वो क्या हो जाएगा, क्या आप एग्री करते हैं इस बात से? लेंथ पहले एल थी, अब कुछ एक्सटेंस हो गई तो क्या एल प्लस डेल्टा एल हो गई। डायमीटर पहले डी था, तो अब कितना हो गया डायमीटर, कुछ डिक्रीज होगा, तो डी माइनस के डेल्टा डी। यस और नो? यस सर। एरिया पहले ए नॉट था, एरिया क्या था पहले, ए नॉट था, अब एरिया कितना हो गया है, एक्चुअल एरिया हो गया है। एक्चुअल एरिया का मतलब क्या है, तुमने कहा एक सेकंड में बताओ, तो एक सेकंड पे जो एरिया आएगा वो, तुमने कहा एक मिनट में बताओ, तो एक मिनट पे जो एरिया आएगा वो, तुमने बोला एक घंटे बाद बताइए, तो एक घंटे बाद जो एरिया रहेगा वो, तो एक्चुअल एरिया होगा, यही मिलेगा आपको। और ये कब तक मिलता जाएगा, जब तक ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाए आपका, फेल नहीं हो जाता है। डेफिनेटली ये मिलेगा आपको, जैसे ऑब्जेक्ट फेल हुआ परमानेंटली वो अलग है, और जो ओरिजिनल है वो अलग है। तो अगर हम बात करें यहां पे, तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस, कन्वेंशनल स्ट्रेस या एवरेज स्ट्रेस क्या है, अप्लाइड लोड अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, अप्लाइड लोड अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहां पे मैं इसको लिखता हूं सिग्मा इंजीनियरिंग इक्वल्स टू अप्लाइड लोड कितना है, पी अपॉन में ए नॉट। यस और नो? चलिए यहां तक चीजें क्लियर है। अगर बात करें किसकी, ट्रू स्ट्रेस की, किसकी बात करें, ट्रू स्ट्रेस की, तो क्या ट्रू स्ट्रेस कैसे डिफाइन होता है, सिग्मा टी इक्वल्स टू, स्ट्रेस तो वही है क्या, अप्लाइड लोड अपॉन कौन सा एरिया, एक्चुअल एरिया। और एक्चुअल एरिया का मतलब क्या है, एरिया विल चेंज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। यहां पे अगर बात करें तो क्या आएगा, सिग्मा टी इक्वल्स टू पी अपॉन में क्या आएगा, ए एक्चुअल। मेरी बात समझ गए भाई, समझ गए ट्रू स्ट्रेस क्या होता है और इंजिंग स्ट्रेस क्या होता है, दोनों समझ गए। जो मैंने सवाल पूछा था उसका आंसर भी आपने सोचने का प्रयास किया होगा, चलिए वो आंसर सोचे, उससे पहले मैं एक कंसेप्ट और यहां पर आगे लेके चलता हूं। देखो ये सब चीजें जो हम देख रहे हैं, ये दो जगह देखेंगे हम, एक देखेंगे इलास्टिक लिमिट के अंदर और एक देखेंगे प्लास्टिक लिमिट के अंदर, ध्यान समझना। इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या है कि ये कोई कंपोनेंट है, इस पे मैंने लोड लगाया, इसको खींचा, खींच लिया मैंने, इलास्टिक लिमिट के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, इलास्टिक लिमिट के अंदर की बात कर रहा हूं, मैंने खींचा, लोड हटाया, वापस कहां जाएगा, ओरिजिनल शेप में, यही होगा। फिर मैंने इसको दोबारा लोड लगाया, फिर खींचा, अभी भी इलास्टिक लिमिट में हूं, जैसे लोड हटा वापस कहां जाएगा, ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाएगा।
आएगा। अब अगर उस केस में इलास्टिक लिमिट के केस में अगर मैं आपसे बोलूं कि सर इंजीनियरिंग स्ट्रेस कितना है, तो आप क्या बोलेंगे? सर अप्लाइड लोड अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया। अप्लाइड लोड हमेशा सेम रहेगा, ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया जो कंपोनेंट बन गया वो बन गया, सेम रहेगा हमेशा, यस और नो? तो अगर आप इलास्टिक लिमिट की बात करो चाहे प्लास्टिक लिमिट की बात करो, ये आपको हमेशा क्या मिलेगा? सेम के अलग सेम मिलेगा बाबा, इसमें कोई चेंज नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं ट्रू स्ट्रेस की बात करता हूं इलास्टिक लिमिट के अंदर, याद रखना इलास्टिक लिमिट में अगर मैं ट्रू स्ट्रेस की बात करता हूं, जैसे मैंने लोड लगाया, लोड तो सेम पी 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 लगा हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया का क्या हाल होगा? डिक्रीज होगा। जैसे मैंने लोड बटाया वापस कहां गया? ओरिजिनल के अंदर। तो अगर इलास्टिक लिमिट की बात करें तो इलास्टिक लिमिट में जो एक्चुअल क्रॉस सेक्शन एरिया है वही तो ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया है। आप ऐसा तो नहीं कहेंगे ना कि सर लोड लगा के रखो अब मेजर करो, भाई लोड तो आपको हटाना पड़ेगा ताकि आप उसका एक्चुअल डिफॉर्मेशन देख पाओ। तो अगर हम बात करें यहां पे कि इलास्टिक लिमिट के अंदर ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है, क्या कोई डिफरेंस है, क्या कोई डिफरेंस है? नहीं। तो यहां से मुझे पता लगता है कि अंडर इलास्टिक लिमिट या फिर एट इलास्टिक लिमिट, अंडर इलास्टिक लिमिट सिग्मा इंजीनियरिंग इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई? सिग्मा ट्रू, यस और नो? क्यों आएगा? समझ चुके हैं आप लोग, क्लियर है? अब मेरे सवाल पे आते हैं वापस। मेरा सवाल था कौन मेरे लिए सिग्निफिकेंट है, कौन मेरे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है, सिग्मा इंजीनियरिंग या सिग्मा ट्रू? ट्रू क्यों नहीं है? डेफिनेटली आपने कहा कि सर एक सेकंड में मेजर करो, एक सेकंड के पास हजारों डिवाइस में मेजर कर लिया, तुम्हारा मन मचल गया, तुमने कहा नहीं एक मिली सेकंड में मेजर करके दिखाओ, मैं तो मर गया ना। फिर तुम्हारा मन मचल गया, नहीं एक मिली सेकंड नहीं, 100 मिली सेकंड में मेजर करके दिखाओ, 50 मिली सेकंड, एक सेकंड, दो सेकंड, 60 सेकंड, 20 सेकंड, एक मिनट, दो मिनट, एक घंटा, दो घंटे, चार घंटे, पांच घंटे, दुनिया भर के इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट में मेजर कर ही नहीं सकता। मेजर करने का मतलब क्या है? मुझे उस कंपोनेंट को बार बार उठाकर कहां लेके जाना पड़ेगा? लेबोरेटरी लेके जाना पड़ेगा। और सोम में आप लेबोरेटरी जा सकते हो क्या? इस रूम से बाहर जाना अलाउ नहीं है। पूरा का पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल आपको हमेशा किसमें खत्म करना है? थियोरेटिकली। जहां भी प्रैक्टिकल चीज आएगी आपको कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो ट्रू स्ट्रेस मेरे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर क्रॉस सेक्शनल एरिया विल चेंज, और क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होगा तो स्ट्रेस भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। स्ट्रेस चेंज हुआ तो मुझे मेजर करना पड़ेगा, और मेजर करने के लिए कहां जाना पड़ेगा? क्रॉस सेक्शन एरिया को मेजर करने के लिए कहां जाना पड़ेगा? लेबोरेटरी में, जो मेरे लिए अलाउ नहीं है, यानी प्रैक्टिकल यहां पर अलाउ नहीं है। मेरी बात समझ गए? यहां तक समझ गए मेरी बात? लेकिन अगर मैं बात करूं यहां से, सेकंड बात करूं यहां से, नोट नंबर टू, अंडर प्लास्टिक लिमिट की अगर बात करें, कहां पे? अंडर प्लास्टिक लिमिट। तो प्लास्टिक लिमिट में लेंथ क्या हुई है? डायमीटर क्या हुआ है? डिक्रीज। कब? जब टेंशन लगाया मैंने। लेकिन कौन सी चीज है जो सेम रही है, जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ है? क्या कोई एक्स्ट्रा मेटेरियल जोड़ा मैंने इसमें? क्या कोई एक्स्ट्रा मेटेरियल काट के बाहर फेंका मैंने इसमें? नहीं। यानी ना तो मेटेरियल जुड़ा है ना मेटेरियल घटा है, इसका मतलब सिर्फ शेप एंड साइज चेंज हुई, मतलब वॉल्यूम क्या रहेगा? हमेशा सेम, यस और नो? यानी प्लास्टिक लिमिट की अगर बात की जाए तो अंडर प्लास्टिक लिमिट द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट विल सेम, सॉरी, ये सुन लो। अगर ऐसा है तो मैं क्या कहूंगा कि सर इनिशियल वॉल्यूम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम कितना था? इनिशियल वॉल्यूम तो बड़ा सिंपल सा था, क्या था? पाई बाई फोर डी स्क्वायर इंटू में एल था। या फिर ऐसे ना लिखो तो ऐसे लिख लो, सिंपल सा, ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू में लेंथ था। फाइनल कितना हो गया? फाइनल था आपका कितना?
एक्चुअल क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू में एल प्लस डेल्टा एल। बोलो ये मिलेगा नहीं मिलेगा, यही सर देख लो ना ऊपर, ये देखो ए नॉट इंटू में एल एक्चुअल इंटू में एल प्लस डेल्टा एल, यही है। यहां से क्या क्या पता आपको, क्या आपको ए नॉट पता है? यस, कंपोनेंट मेरे हाथ में है। क्या एल पता है? हाँ, उसकी लेंथ मुझे पता है। क्या एक्चुअल पता है? नहीं पता। क्यों? क्योंकि तुम एक सेकंड, दो सेकंड, तीन सेकंड, चार सेकंड, पांच सेकंड कहीं भी बात कर सकते हो, मुझे नहीं पता, यही तो महाभारत है। क्या एल पता है? हाँ। क्या डेल्टा एल पता है? हाँ। मैं एक्सटेंसोमीटर से चेंज इन लेंथ आराम से इजीली फाइंड आउट करूंगा। स्केल तो लगाना करना क्या है मुझे, लेबोरेटरी कहाँ जाना है, स्केल लगा दो बात खत्म। तो यहां से अगर बात करें एक्चुअल एरिया कितना आएगा, तो देखो यहां से एक्चुअल क्रॉस सेक्शन एरिया कितना आ जाएगा, ए नॉट इंटू में एल अपॉन एल प्लस डेल्टा एल। एल का ऊपर नीचे भाग दे तो कितना आएगा, ए नॉट अपॉन में वन प्लस के डेल्टा एल अपॉन एल, और ये क्या बन जाएगा, ए नॉट अपॉन में वन प्लस के एप्सिलॉन इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन। थोड़ी देर ये मान लो कि हाँ स्ट्रेन होता है, बस इतना मान लो, अभी जस्ट इसके बाद यही आने वाला है। तो यहां से एक्चुअल एरिया मिला नहीं मिला आपको? अगर एक्चुअल एरिया मिल गया है, किसी की तमन्ना है नहीं, कुछ भी करो मुझे तो ट्रू स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, अदरवाइज मैं आगे पढ़ूंगा ही नहीं। तो सिग्मा ट्रू कितना आ जाएगा, मैंने कहा अप्लाइड लोड, क्या आएगा अप्लाइड लोड अपॉन कितना आएगा एक्चुअल एरिया, यही है, यही पढ़ा है मैंने तो। और अप्लाइड लोड कितना है, वो तो पी है, एक्चुअल एरिया कितना है, ए एक्चुअल है, ए एक्चुअल के लिए कितनी निकाली आपने यहां से, यही रख दो वैल्यू, पी अपॉन में ए नॉट अपॉन में वन प्लस के एप्सिलॉन इंजीनियरिंग, मतलब स्ट्रेन है, नॉर्मल कह दो स्ट्रेन है बस, और कुछ नहीं, याद रखो ना। कहां क्या हो जाएगा इसमें, पी अपॉन में ए नॉट इंटू में वन प्लस के एप्सिलॉन, पी अपॉन ए नॉट देखा है कहीं पे, पी अपॉन ए नॉट देखा है कहीं पे, कहां देखा है, अभी अभी शुरू में देखा था मैंने, पी अपॉन ए नॉट क्या था, क्या था कन्वेंशनल, क्या था इंजीनियरिंग, क्या था एवरेज। तो यहां से कितना आएगा, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्मा ट्रू इक्वल्स टू सिग्मा इंजीनियरिंग इंटू में वन प्लस के एप्सिलॉन इंजीनियरिंग, या फिर एप्सिलॉन नॉर्मली लिख दो, एक ही बात है, यस और नो बोले, क्लियर है। लोड कैसा लगाया था मैंने, कंप्रेशन की टेंशन, साइन क्या आया है, अगर लोड में कंप्रेशन का लगा दूं तो साइन क्या जाएगा, माइनस, यानी यहां पे प्लस माइनस लगा सकता हूं मैं, प्लस माइनस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब क्या है, टेंसाइल लोड, और माइनस का मतलब क्या हो जाएगा फिर, कंप्रेशन लोड। चलिए भाई चीजें क्लियर है, आपसे पूछता यही है, आपसे पूछता यही है। यानी यहां पे अगर बात करें नोट की, एक और नोट की, और नोट क्या है, अंडर टेंसाइल लोड, ध्यान समझना, अंडर आप लोग बताएंगे मुझे टेंसाइल लोड, और फिर कंप्रेशन के लिए आप लोग खुद लिखेंगे, ठीक है। अंडर टेंसाइल लोड मुझे बताइए कि सिग्मा टी और सिग्मा इंजीनियरिंग में कौन ज्यादा कौन कम, टेंसाइल के अंदर सिग्मा टी और सिग्मा इंजीनियरिंग में कौन ज्यादा कौन कम, इंजीनियरिंग ज्यादा है ना, इंजीनियरिंग ज्यादा है ना, हमेशा है नहीं है, है कि नहीं है, नहीं है ना, तो बोलो कौन है ज्यादा, ट्रू हमेशा कौन ज्यादा रहेगा आपके पास, ऑलवेज सिग्मा टी इज ग्रेटर देन सिग्मा इंजीनियरिंग। इसलिए जब हम पढ़ेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, तो हम पढ़ते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन में, अगर आप ट्रू का बनाओगे तो जो इंजीनियरिंग है उससे कहां चला जाएगा, वो ऊपर, क्यों, क्योंकि सिग्मा टी ज्यादा होता है किससे, सिग्मा इंजीनियरिंग से। क्लियर है बाबा। और अगर मैं यहीं से बात करूं कि ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया और एक्चुअल क्रॉस सेक्शन एरिया में कौन ज्यादा कौन कम, कौन ज्यादा कौन कम, ओरिजिनल, क्योंकि टेंशन में बाद में एरिया क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा। चीजें क्लियर है दोनों। अगर सेम नोट की बात करूं मैं, अंडर कंप्रेशन, अंडर क्या आ जाएगा भाई, बोले जस्ट अपोजिट होगा। अरे बाबा जब नेचर अपोजिट, तो इसमें क्या दिमाग लगाना, अपोजिट होगा, सिग्मा टी इज लेस देन सिग्मा इंजीनियरिंग, दिमाग लगाएंगे क्यों, दिमाग लगाएंगे तो कुछ ना कुछ गलत करेंगे। यहां क्या जाएगा, ए नॉट इज लेस देन ए एक्चुअल, बोले बाबा क्लियर है कि नहीं है, अरे क्लियर है चीज। तो यहां से अगर बात करें, जो हमारा कंसेप्ट था वो क्या था, सेकेंड टाइप का स्ट्रेस कौन सा था, इंजीनियरिंग स्ट्रेस या फिर ट्रू स्ट्रेस।
इंजिंग स्ट्रेस क्या है? इंजिंग स्ट्रेस यहां है जहां पर आपके अप्लाइड लोड अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, जबकि यहां पे क्या है? ट्रू स्ट्रेस क्या है? अप्लाइड लोड अपॉन ट्रू क्रॉस सेक्शन एरिया। तो मैं कह सकता हूं कि ट्रू स्ट्रेस वो स्ट्रेस है जो विद रेस्पेक्ट टू इंस्टेंट ऑफ टाइम विल चेंज, जो हर टाइम पे हर या इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, वही है। तो यहां से मैंने देखा इनकी डेफिनेशन और यहां पे मैंने पूरे के पूरे एनालिसिस को ये किया, देख लेंगे भाई एक बार दोबारा। स्ट्रेस आया यहां पे, इंजिंग स्ट्रेस कितना आएगा? पी अपॉन ए नॉट, और सिग्मा ट्रू कितना आएगा? पी अपॉन एक्चुअल एरिया। एक्चुअल एरिया फाइंड आउट करना ही मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क था। मैंने इसको दो तरह से देखा, अंडर इलास्टिक लिमिट और अबव इलास्टिक लिमिट। तो जब मैं अंडर इलास्टिक लिमिट की बात करूंगा तो क्या जाएगा? दोनों बराबर रहेंगे। क्यों? क्योंकि एरिया वापस कहां जाएगा? अपनी ओरिजिनल सेपरेट साइज में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही प्लास्टिक लिमिट की बात करूंगा तो क्या जाएगा यहां पे? जो आपका वॉल्यूम है वो क्या रहेगा? सेम वॉल्यूम सेम है। तो इनिशियल वॉल्यूम इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम, यहां से मुझे पता लगा और मैंने फाइंड आउट किया कि एक्चुअल क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल्स टू ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन 1 प्लस के स्ट्रेन एप्सिलॉन। और यहां से मैंने फाइंड आउट किया कि सिग्मा ट्रू और सिग्मा इंजीनियरिंग में रिलेशन, तो सिग्मा ट्रू और सिग्मा इंजीनियरिंग में रिलेशन ये आता है, यहां से न्यूमेरिकल भी बनता है, यहां से डायरेक्ट ये एक्सप्रेशन भी आपको पूछा जाता है भाई। क्लियर है बाबा? किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए मुझसे, नहीं डाउट है तो आप नोट करना शुरू करेंगे। चलिए चलिए फिर एक सवाल लिखेंगे, इसके बाद न्यूमेरिकल लिखो भाई। द इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ माइल्ड स्टील, सवाल लिखेंगे क्या आप लोग? बोल के लिखा रहा हूं, लिखेंगे। द इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ माइल्ड स्टील, द इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ माइल्ड स्टील indicates the value of stress 300 megapascal and 400 megapascal 300 megapascal and 400 megapascal 10% and 15% of strain value respectively. Full stop. Eight necking reason. The value of strain is 27%. Eight necking reason. The value of strain is 27%. Then find out. पहला, true stress at different cases, और second, difference between true stress. ये दो चीज आपको फाइंड आउट करनी है भाई, कैलकुलेट करें। जब भी आपको जीवन में न्यूमेरिकल करने हो, ये दो चीज याद रखें, कॉपी में पहले गिवन लिख लें और दूसरा फाइंड आउट लिख लें, बस। चाहे आपको सवाल आए या नहीं आए वो बात की बात है, सवाल में क्या क्या गिवन है लिख लो, काम आ रहा है तो भी लिख लो, नहीं आ रहा है तो भी लिख लो, और क्या फाइंड आउट करना है वो लिख लो, बस ये दो चीज लिखो आप, उसके बाद सॉल्व करो। किसी का आ रहा है 3:30?
460 और 130, तीन आंसर होंगे, 330, 460, 130, ये आ रहे हैं, कितनों के आ गए? चलिए वेरी गुड। देखिए बड़ा सिंपल सा है, आइए देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या क्या गिवन है सबसे पहले देख लो भाई, अगर आता है तो ठीक, नहीं तो आप देख लो, सीख लो, सीखना है आपको, ये नहीं कि नहीं आ रहा तो दिक्कत है, दिक्कत ये नहीं कि आपको नहीं आ रहा है, दिक्कत ये है कि आप सीखना नहीं चाह रहे हैं या फिर सीख नहीं पा रहे हैं। तो लर्निंग प्रोसेस में सीखने पर ध्यान दे बजाय आंसर के। गिवन क्या क्या है आपको दिया हुआ है कि एक सिग्मा दिया हुआ है, कितना दे रखा है 300 मेगापास्कल, ये देखा है ना, बोलते रहना भाई, और दूसरा सिग्मा कितना दिया हुआ है 400 मेगापास्कल। जब सिग्मा इतना है तो यहां पर स्ट्रेन कितना है, कितना था 10%, और जब सिग्मा इतना है तो यहां पर स्ट्रेन कितना है 15 है क्या, चलिए 15%, यही है। परसेंट का मतलब क्या आ गया 0.1 और कितना आएगा 0.15, यही मिलेगा आपको 0.10 0.15। पूछा क्या आपसे, आपसे पूछा है कि भाई इस केस में सिग्मा ट्रू कितना, यही तो पूछा है, सिग्मा ट्रू बता दो, इस केस में सिग्मा ट्रू कितना, बस ये दो चीज पूछी आपसे, और बाद में इनका डिफरेंस बता दो। तो सिग्मा ट्रू का फॉर्मूला कितना होता है, मैंने पढ़ा है, कितना होता है सिग्मा इंजीनियरिंग इंटू में 1 ± εpsilon। कंप्रेसिव कहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में, जब कंप्रेसिव नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट क्या है, टेंशन है, और नहीं भी लिखे टेंशन कौन सा टेस्ट है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किस पे बनता है, टेंसाइल टेस्ट है, तो बाय डिफॉल्ट पता लगे टेंसाइल टेस्ट है। तो यहां कितना आ जाएगा, देखो सिग्मा इंजीनियरिंग कितना है भाई 300 इंटू में 1 ± εpsilon कितना है बाबा 0.10, ये आ रहा होगा, और इधर कितना आ जाएगा देखो सिग्मा इंजीनियरिंग 1 ± εpsilon, तो यहां पे कितना आ जाएगा, कितना है 400 इंटू में 1 + 0.5, कितना आ गया बाबा, इधर कितना आएगा 330 MPa, इधर कितना आएगा 460 MPa आ रहा है। डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस कितना आएगा, यहां पे दोनों में देख लो डिफरेंस कितना आ जाएगा 130 MPa। लो भाई कुछ है क्या सवाल में, कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस इसीलिए जरूरी है। सवाल आपके सामने था, एक छोटा सा फॉर्मूला था पर आप नहीं कर पाए, प्रैक्टिस इसीलिए जरूरी, केवल और केवल और केवल नोट्स पढ़ने से आपका सिलेक्शन श्योर नहीं हो जाता है भाई। इस चीज को आप जितना जल्दी समझ लें उतना जल्दी फायदे में है, या फिर ये कहूंगा कि इस भ्रांति को आप जितना जल्दी खुद से दूर कर ले उतना फायदे में है। केवल और केवल नोट से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मैंने 5 मिनट पहले ये सेम सवाल नोट्स में, ये सेम फॉर्मूला नोट्स में लिखवाया था, याद है आपको, पर क्या आप इसके एप्लीकेशन को समझ पाए, नहीं। एप्लीकेशन को कब समझोगे, जब आप ऐसे सवाल कर लोगे। अब अगर कभी ऐसा सवाल आता है चाहे कितने घुमा के आए, तो डेफिनेटली आपके माइंड में एक बन गया कि ऐसे सवाल होते हैं, इस तरह से इसका आंसर निकाला जा सकता है, अब आप सोल्व कर सकते हैं सवालों को। तो कोशिश करें कि आपके नोट्स को सिर्फ आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के काम में ले, उसके अलावा आपको डेफिनेटली जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं करनी भी है। आप सोचे कि नोट्स के भरोसे में आरपीएससी यही निकाल लूंगा या फिर एसएससी यही निकाल लूंगा या कोई सा भी एग्जाम निकाल लूंगा, तो पॉसिबल नहीं है आपके लिए। पॉसिबल क्यों नहीं है, रीजन आपके सामने है भाई, क्योंकि जब तक आप एप्लीकेशन नहीं लगाते हैं चीजें आपको हमेशा परेशान करेगी बाबा। चलिए हाँ, नेकिंग रीजन तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, अगर नेकिंग रीजन पे आपको स्ट्रेस देता तो आप निकाल सकते थे। नेकिंग रीजन पे स्ट्रेन दे रखा है कि 26% स्ट्रेन आ गया, स्ट्रेस है ही नहीं मुझे वहां पे, देखो नेकिंग रीजन पे स्ट्रेस नहीं दिया हुआ ना, तो क्यों दे रखा है उसने, कंफ्यूज करने के लिए या फिर परेशान करने के लिए दे रखा है, बस स्ट्रेस सिर्फ इन दो पॉइंट पे, तो बाकी कहीं पे वैल्यू है ही नहीं आपको। क्लियर है बाबा, चले ये नहीं, इलास्टिक लिमिट की बात है ये, हाँ अगर इलास्टिक लिमिट में होता तो दोनों क्या आते, सेम आते, कितना है यहां पे 300, तो यहां भी कितना आता है ये 300, कितना है ये 400, यहां भी कितना आता 400, क्यों, क्योंकि मैं पढ़ के आया हूं कि इलास्टिक लिमिट में ट्रू और इंजीनियरिंग दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, है ना। चलिए भाई और कोई डाउट, चले चलिए कोई डाउट तो पूछ लीजिए, नहीं आगे बढ़े, चलो चलिए भाई।